हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज 8 दिसंबर है और आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट आ गया है। गुजरात का देखिएगा, मुझे पहले से ऐसी आशंका थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि 6 तारीख को मैंने एक फाइनलाइज्ड एक ब्लॉग लिखा था, आप में से बहुत सारे ने उसे पढ़ा भी है। और आप देखे होंगे कि जो मेरा आंकड़ा रहा है एग्जैक्ट रहा है। और मैंने गुजरात पे कोई अपना कमेंट्री नहीं दिया था क्योंकि मुझे वहां अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, एंड मुझे जो अभी हुआ है वहां पे वही मुझे भी लग रहा था। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को मैं काफी टाइम से मैं वहां पे देख रहा हूँ और रियलाइज कर रहा हूँ, मैं उनको ट्रैक भी कर रहा था जितना भी है, हर एक न्यूज अपडेट्स को। तो मुझे पहले से इस बात का एहसास था कि हिमाचल प्रदेश ही वो पहला राज्य होगा जो कि हिमाचल प्रदेश में दूसरी पार्टी बनने के बाद अब पुरानी पेंशन बहाल होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी शासित कोई ऐसा राज्य जो कि इलेक्शन हारने के बाद पुरानी पेंशन योजना को आगे फर्दर कंसीडर करेगा तो वो हिमाचल से ही शुरू होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन है वो एक पड़ाव है उन राज्यों के लिए जहां पे ओपीएस बहाली की मांग चल रही है लेकिन वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं। तो बाय द वे देखिएगा, हिमाचल में हुआ क्या है कि जो मैंने 2 दिन पहले बताया था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि 40+ सीट्स मैंने कंसीडर किया था कांग्रेस का, एक्चुअली एग्जैक्ट 40 सीट्स कांग्रेस को मिली हैं। बीजेपी को मैंने 20+ अप्रोक्स कुछ कंसीडर किया था, तो 25 अराउंड मिली हैं। अदर्स को मैंने कहीं सोचा था कि 8, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी जीत जाए कुछ सीट्स, तो ये मैंने कंसीडर किया था 8, लेकिन वहां पे जीती है ओनली 3 अदर्स पार्टीज। तो मेजोरिटी जो है 35 का बहुमत चाहिए होता है हिमाचल के लिए। अब वहां पे कांग्रेस की सरकार आ गई है, सरकार पलट गई है और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वहां का जो रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिएगा, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई भी वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम है और माननीय प्रदीप ठाकुर जी की मेहनत है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो रही है। अब देखिएगा, जो अन्य स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स में भी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, तो उससे पहले आप इस बात को नोट करिएगा कि उससे पहले जनवरी में बीजेपी रूल्ड गवर्नड स्टेट्स में किसी में आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो सकती है। मे बी दो स्टेट्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में मेरे लिए यही है कि वहां पे एक साझा सरकार है बीजेपी के साथ, तो मे बी कि वहां पे लागू हो जाए। लेकिन हिमाचल में मुझे पूरा मैं एश्योर्ड हूँ कि बहुत जल्द पुरानी पेंशन बहाल होगी, एंड अब ये देश भर में ये एक बहुत गर्म मुद्दा बनता जा रहा है और बन रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात है तो यहाँ भी जल्दी लागू हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी 2023 में ही। दोस्तों, आपने समझने का धन्यवाद।